रेक्स का हार्ट रेक्स हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। रेक्स का हार्ट रेक्स डाइट्री सिरप। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि उपराज्यपाल हर मामले को राष्ट्रपति को रेफर नहीं कर सकते हैं। साफ है कि अब राज्यपाल मामलों को राष्ट्रपति को रेफर करने का हवाला देते हुए लटका नहीं सकते हैं। उन्हें कैबिनेट की सलाह या फिर खुद के फैसला लेना ही पड़ेगा। फैसले में अधिकतर बातें केजरीवाल सरकार के हक में गई हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने जनता की अपेक्षाओं की जीत बताते हुए फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार और गोदी मीडिया को यह सबक है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के हर काम में अड़ंगा अच्छी बात नहीं, एक लंबे अरसे तक याद रहेगा। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के हवाले से कहा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने को बाध्य हैं। सिर्फ भूमि कानून व्यवस्था और वित्त मामले में दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पास प्रभावी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ये दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है। बता दें कि इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई। ये बैठक शाम 4 बजे हुई। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आपके राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, जनता उसके हित के लिए काम करने की उम्मीद से सरकार चुनती है, लेकिन दिल्ली में चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिए जाने से जनता निराश थी। सर्वोच्च अदालत का फैसला दिल्ली की जनता की जीत है। वहीं पार्टी नेता राघव चड्ढा ने कहा है कि फैसले से साफ है कि जमीन पुलिस और कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। इन तीन विषयों को छोड़कर चाहे वो बाबुओं के तबादले का मसला हो या अन्य मामले हैं, वो सब अब दिल्ली सरकार के अधीन आ जाएंगे। आप नेता दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कहा, बधाई हो दिल्ली, आपकी जीत हुई। दिल्ली की जीत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जनतंत्र को सर्वोच्च रखा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल और एलजी पर तरह तरह के रिएक्शन आए हैं, जिनमें दिल्ली के लोग कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3 साल दिल्ली के विकास को रोकने की जिम्मेदारी क्या अब केंद्र सरकार लेगी। इसी बीच एक यूजर ने लिखा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता की सरकार दिल्ली के लिए जिम्मेदार है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए पिछले 3 साल से संवैधानिक संकट पैदा करने वाली, विकास में आड़े आने वाली भाजपा की केंद्र सरकार, एलजी और हां प्रधानमंत्री जी की क्या जवाबदेही है। उधर एक दूसरे ट्विटर यूजर ने लिखा कि लाट साहब, लोगों द्वारा निर्वाचित मुख्यमंत्री की सुनो सुप्रीम कोर्ट। और एक बहुत ही शानदार ट्वीट देखने में आया, केंद्र सरकार की बिगड़ी हुई एलजी की मशीन को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बैंक्स।